Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 100 घंटे से 7 राज्यों के 40 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। टनल हादसे का आज 5वां दिन है। इसी बीच अब उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से धरती हिली है। उत्तरकाशी के सिलकारिया क्षेत्र में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। ये वही क्षेत्र है जहां टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम मजदूरों को निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। ऊपर से लगातार गिरने वाली ढीली मिट्टी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट पैदा कर रही है। मलबे को रोकने और फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए 14 नवंबर को हाइड्रोलिक जैक और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से 900 mm यानी 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप टनल के अंदर डालने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद सेना को इसमें शामिल किया। सेना का मालवाहक विमान हरक्यूलस बुधवार को दिल्ली से हैवी ऑगर मशीन लेकर चिन्यालीस और हेलीपैड पहुंचा। यहां से मशीन सुलकारिया लाई गई। 25 टन की हैवी ड्रिलिंग मशीन अमेरिका ऑगर प्रति घंटे 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करती है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणधीन टनल धस गई थी। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर करमवीर सिंह के मुताबिक 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी इस टनल के स्टार्टिंग पॉइंट से 200 मीटर तक प्लास्टर किया गया था। उससे आगे कोई प्लास्टर नहीं था, जिसकी वजह से हादसा हो गया। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडलगांव के बीच बनाई जा रही है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। धामी ने बताया, हम रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय की ओर से भी घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा घटना की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह सदस्य कमेटी बनाई है। कमेटी ने आज जांच शुरू भी कर दी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।